नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो एग्ज़ाम है गत 12 मई को आयोजित हुई थी और अब वो संपूर्ण हो गई है। उसके बाद में सभी अभ्यर्थियों के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि इस बार कट ऑफ है वो क्या रहेगी और इस बार जो पेपर आया था वो कठिन था या सरल था। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं और इसमें हम पूरे तार्किक विश्लेषण के साथ में आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। इसमें आपको जो पिछले वर्ष कट ऑफ क्या रही थी वो भी बताएंगे और इस वर्ष आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और आपको पसंदीदा कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगा व कितने पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपने कमेंट करके क्वेश्चन पूछे। तो आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अपन तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मालूम हो सके। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबा के आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि जब भी इसका रिजल्ट आएगा और जो काउंसलिंग उससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको आपके नोटिस बार में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस बार पेपर का जो लेवल था वो पिछले की बजाय कठिन था या सरल था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अब की बार जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ था। तो कठिन जब पेपर होता है तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ है जो किस प्रकार से रहती है, लेकिन एक इसमें उचित कारण भी एक निकल के आता है कि अब की बार जो उपस्थिति थी वो पिछली बजाय की तुलना में कम थी, यानी अब की बार जो उपस्थिति थी वो पिछली बजाय कम थी। तो दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है और पिछली बार क्या रही थी। तो मित्रों, अब की बार जो उपस्थिति रही वो रही थी 80% और पिछली बार जो उपस्थिति रही थी वो यहाँ पर रही थी 85% आपकी उपस्थिति यहाँ पे हुई थी 2018 के अंदर, और अब की बार जो रही है आपकी 80% इसकी उपस्थिति रही है। अब दोस्तों, इसकी सबसे पहले जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। सभी के एक क्वेश्चन है और सभी को देखने की चाह भी है। आपने आंसर की मिला ली होगी, नहीं मिला ही तो हमने एक वीडियो बनाकर बता दिया है और उस पे हमने एकदम सटीक आंसर की बता दी है। तो आपने लगभग मेरे ख्याल से आपको अनुमान लग गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जितने भी नंबर आपके हिसाब से बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस बार PTET की जो जनरल की डिग्री है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल की बात करें तो आपके नंबर यहाँ पर 330 है तो आप है वो इसके इनिजिबल हो। आपको कॉलेज तो मिल जाएगी लेकिन आपको पसंदीदा कॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है वो 340। पसंदीदा कॉलेज आपको चाहिए तो 340 प्लस आपके नंबर होना आवश्यक है और 330 प्लस आपके नंबर है तो आपको 20 से 25 कॉलेज बननी पड़ेगी और राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको कॉलेज है वो मिलेगी। और पिछली बार जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही थी वो ये कट ऑफ आपकी रही थी 325 के समथिंग, 325 प्लस आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार जनरल कैटेगरी की रही थी। अब दूसरा जो यहाँ पे बात करें OBC कैटेगरी, तो OBC की यहाँ पे जो 320 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके इसके क्राइटेरिया में हो और लेकिन आपको 320 पे है वो पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल सकता। पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो आपको 30 नंबर होना फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर अनिवार्य है और आपकी थर्ड काउंसलिंग तक आपकी जो ये कट ऑफ है लगभग आ जाएगी 290 तक आपकी OBC कट ऑफ थर्ड लिस्ट में आपकी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करें तो SC कैटेगरी आती है, SC EWS इन दोनों की एक ही कट ऑफ रहती है कि 300 प्लस है तो आपका इसके लिए आप इसके क्राइटेरिया में हो, आपको एक नए कॉलेज तो मिले जाएगी लेकिन पसंदीदा कॉलेज आपको 310 प्लस है तो ही मिलेगी। और थर्ड काउंसलिंग में आपके लगभग ये आ जाएगी 285 नंबर तक आपकी थर्ड लिस्ट में आपकी कट ऑफ है वो रहेगी। इसके बाद में लास्ट जो कैटेगरी आती है ST, तो ST की यहाँ पे 290 प्लस है तो आप किसके क्राइटेरिया में हो और आप अभी तक सेफ हो और आपको पसंदीदा कॉलेज चाहिए तो आपको 300 नंबर अवश्य चाहिए। और जो पिछली बार इसकी जो कट ऑफ रही थी वो 395 रही थी ST कैटेगरी की, और ST की पिछली बार रही थी यहाँ पे लगभग रही थी 200
लगभग यहाँ पे रही थी 305 के करीबन रही थी, और ओबीसी की यहाँ पे पिछली बार रही थी 315 प्लस रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। और अब हम बताएंगे आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका जून के लगभग तीसरे सप्ताह तक, यानी 20 से 23 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 या 3 दिन बाद में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपसे एक बार विनम्र अनुरोध है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबा के आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी की रिगार्डिंग हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।